हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संघ ने एकमत से निर्णय लिया गया कि सारे प्रदेश के चिकित्सक जिसमें कि मेडिकल कॉलेज के आईडीए भी शामिल हैं, तब तक काले बिल्ले लगाकर काम करते रहेंगे जब तक प्रदेश सरकार अनुबंध कर्मचारियों को मिलने वाले ग्रेड पे को अनुबंध पर लगे चिकित्सकों को जारी करने के आदेश नहीं दे देती। फिलहाल के लिए संघ ने पैन डाउन हड़ताल को अगले आदेशों तक आगे बढ़ा दिया है। हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संघ की वर्चुअल बैठक अध्यक्ष डॉक्टर जीवानंद चौहान की अध्यक्षता में हुई, जिसका संचालन प्रदेश महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने किया। संघ के सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया कि उन्होंने कांगड़ा जिला के दौरे में अपनी व्यस्तता के बावजूद स्वास्थ्य सचिव को तुरंत इन अनुबंध चिकित्सकों की रिकवरी रोकने को कहा। इसलिए संघ के सभी सदस्यों ने एकमत से कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि अभी रिकवरी को और आगे वेतन काटने को कुछ समय के लिए सरकार की तरफ से अगले आदेशों तक स्थगित किया गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश में तेजी से फैलती इस कोरोना महामारी के मद्देनजर और अपने प्रदेश की जनता के हित को देखते हुए फैसला लिया है कि पूरे प्रदेश के चिकित्सक और सारी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर काले बिल्ले लगाकर काम करते रहेंगे जब तक कि हमारे अनुबंध चिकित्सा कर्मियों की ग्रेड पे के लिखित आदेश जारी नहीं किए जाते। संघ ने एकमत से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने अपने व्यस्त दौरे से कांगड़ा प्रवास के दौरान जो है वो हमारे प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो डॉक्टरों की रिकवरी और वेतन कटौती है उसको फिलहाल रोक दिया जाए। तो जब तक ये रोक फिलहाल लगी हुई है तब तक हमने भी संघ ने डिसाइड किया है कि जो पेन डाउन की हमारी जो स्ट्राइक है उसको फिलहाल जो है तब तक आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। प्रदेश के पूरे डॉक्टर आरडीएस के रेजिडेंट डॉक्टर जो है काले बिल्ले लगा के अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय कार्यकारिणी की आज गूगल मीट के द्वारा संघ के प्रधान डॉक्टर जीवानंद की अध्यक्षता में हुई और इसमें सभी चिकित्सकों ने सभी पदाधिकारियों ने एक मत से ये निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश के चिकित्सक जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन काले बिल्ले लगाकर तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे अनुबंध चिकित्सकों को हमारे नौजवान चिकित्सकों को जो ग्रेड पे पूरे प्रदेश के अनुबंध कर्मचारियों को मिलती है उसके मिलने के आदेश जारी नहीं कर दिए जाते हैं। बैठक में सरकार के विशेषज्ञ चिकित्सकों को मात्र 40,000 नियुक्ति करने पर भी विरोध जताया और मांग करी कि इन अनुबंधित विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ अगर सरकार ने बॉन्ड किया है तो उनको उनके विशेषज्ञता अनुसार एक पद एक वेतन के साथ नियुक्ति दी जाए, न कि उनका इस तरह से शोषण किया जाए। तो इसके अलावा जो आज का ज्वलंत मुद्दा रहा वो ये रहा कि हमारे जो डायरेक्ट कुछ एमबीबीएस हैं जो कि पीजी करते हैं उसके बाद वो प्रदेश सरकार के साथ बॉन्ड करते हैं, उनको महज 40,000 रुपये जो कि एमबीबीएस वाली तनख्वाह से भी कम कर दी गई है, महज 40,000 रुपये उनको जो है वो रखा जा रहा है और इस तरह से उनको शोषित किया जा रहा है। उसके लिए संघ की मांग है कि इन विशेषज्ञ चिकित्सकों को एक पद एक वेतन के सिद्धांत के अनुसार इनको जो वेतन है वो 65,000 से 70,000 किया जाना चाहिए, नहीं तो ये हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक दूसरे प्रदेशों में प्लाइन कर जाएंगे। और ये हमने पहले भी होते देखा है, हमारे आईजीएमसी से दो दो तीन तीन सुपर स्पेशलिस्ट जो है वो इसी कारण जो है वो नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। चिकित्सक संघ ने सरकार के उस अधिसूचना का भी एक मत से विरोध किया जिसमें कि बार बार मेडिकल कॉलेज में सेवानिवृत्त की आयु को बढ़ाया जा रहा है, ये प्रदेश के होनहार चिकित्सकों के हितों पर कुठाराघात है। हमारा सरकार से निवेदन है कि सेवानिवृत्ति की आयु मेडिकल कॉलेज में 62 वर्ष ही रहनी चाहिए और अगर किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत हमारे मेडिकल कॉलेज में है तो उसके लिए प्रदेश सरकार की अनुबंध नीति पहले से ही मौजूद है। उस अनुबंध नीति के आधार पर उन विशेषज्ञ चिकित्सकों उनके संबंधित विभाग में अनुबंध पर उनके पद अनुसार अनुबंधित किया जा सकता है। संघ का ये भी एक कहना है कि ये जो बार बार मेडिकल कॉलेजेस में रिटायरमेंट एज जो है वो बढ़ाई जा रही है वो बिल्कुल ही गलत है और ये हमारे होनहार डॉक्टरों के हितों पर कुठाराघात है, क्योंकि
दूसरे प्रदेशों में भी जो रिटायरमेंट की एज है वो 62 है, और हम चाहते हैं कि यही एज जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे 62 ही हमारे प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में भी रहनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति विशेष का इतनी ही जरूरत मेडिकल कॉलेजेस में है तो उसके लिए हमारे प्रदेश सरकार की अनुबंध नीति पहले से ही है, उस चिकित्सक को उसके डिपार्टमेंट में जो है की जा सकती है।